विजयादशमी निमित्ते नलियानी मध्ये श्री अबड़ासा लखपत तेमज नखत्राणा तालुकानी समिति क्षत्रिय भाईओ द्वारा शस्त्रपूजन शोभायात्रा ने धर्म सभा आयोजन करवामां आव्युं जेमां मोटी संख्या में लोग उपस्थित रहा था। आयोजन राजस्थान बाड़मेर थी आवेल परम पूज्य संत श्री श्री 1008 प्रतापपुरी जी महाराज मठाधीश श्री तारातर मठ बाड़मेरना अध्यक्ष स्थाने तेमज त्रणे तालुकाना संतो महंतोना नेजा हेठळ करवामां आव्युं हतुं शस्त्र पूजन। संत श्री कल्याणदास बापू, बालकनाथ बापू, परसोत्तम गिरीर बापू, मुकुंददास बापू, दिलीप दादा कापड़ी, सुरेश बापू पण उपस्थित रह्या हता। अन्य महानुभवोमां रविन्द्र सिंह भाटी, राजस्थान जोधपुर जे एन वी यू एक्स अध्यक्ष, कौशलेन्द्र सिंह जाडेजा हिंदू युवा संगठन राष्ट्रीय महासचिव, रघुवीर सिंह जाडेजा राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू युवा संगठन, भूपेन्द्र सिंह चुड़ासमा एक्स एमएलए गुजरात, प्रद्युम्न सिंह जाडेजा धारासभ्य श्री अबड़ासा लखपत नखत्राणा, तेमज जेतमालजी जाडेजा प्रमुख श्री लखपत तालुको क्षत्रिय समाज पण उपस्थित रह्या हता। नलिया जाडेजा भायातवाड़ी में क्षत्रिय भाईओ एकत्रित थया हता, त्या सौ साथे मळीने शोभायात्रानुं आयोजन अने प्रस्थान करावी हतुं, जे नलियाना मुख्य बजारोमांथी आ शोभायात्रा निकळी हती, अबड़ा दादा सर्कल पासे पहोंची हती। त्यारबाद सौ संतो महंतो तेमज महानुभवो अबड़ा दादानी प्रतिमानुं पूजन करी तेमने फूलहार माळा पहेरावी हती अने त्यारबाद सौ संतो महंतो साथे मळी महानुभवो दीप प्रागट्य करी धर्म सभा शुरू करी हती। ત્યારબાદ સંતો મહંતો તેમજ મહાનુભવોનું સન્માન ક્ષત્રિય સમાજની નાની બાળાઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું। શાસ્ત્રી શ્રી દીપેશ મહારાજ માનકુવા દ્વારા સમૂહમાં શસ્ત્ર અને શાસ્ત્રોનું પૂજન કરાવ્યું હતું। ત્યારબાદ મહાપ્રસાદનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। નલિયાના તમામ હિન્દુ સમાજ દ્વારા ક્ષત્રિય સમાજની શોભાયાત્રા પર ફૂલ વરસાવી સ્વાગત કરી કાર્યક્રમને આભારો ધન્યવાદ કરતા હું। મારા સૌભાગ્ય હે कि पाकिस्तान से लगती हुई हमारी सीमांत क्षेत्र के अंदर ऐसे जागरूक और ऐसे राष्ट्रभक्त लोग हैं जो विजयदशमी को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और यहाँ से संदेश लेके जा रहे हैं, त्याग का, बलिदान का, अपने कर्तव्य को बोध का। और जो आसुरी शक्तियाँ हैं और अन्याय, अत्याचार, अधर्म के विरुद्ध हम सब लोग अपने कर्तव्य का पालन करें। मुझे प्रसन्नता है आयोजकों पर और आप सब पर कि आपने यहाँ से संदेश पूरे विश्व तक पहुँचाया और इसी प्रकार हम दशहरा मनाते रहें, अपने कर्तव्य का बोध करें और कर्तव्य का पालन करें। कि मैं आज गुजरात की उस धरा पर हूँ जो क्षति सूरमा वीर त्यागी और संतों की भूमि रही है और वो भी बिल्कुल सीमांत क्षेत्र में। आज विजयदशमी पर्व मनाने का मुझे सौभाग्य मिला और यहाँ एक बहुत बड़ा संदेश मिला, लोगों के अंदर जोश और एक जो उमंग थी वो अपने कर्तव्य का बोध करके अपने क्षत्र धर्म का पालन करते हुए क्षत्रियों के बहुत बड़े लोगों ने, युवाओं ने उत्साह के साथ में अपने विजयदशमी के दिन शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा की। और जहाँ शस्त्र और शास्त्र दोनों होते हैं निश्चय वह अन्याय, अत्याचार और पापाचार और अधर्म नाश होता है। क्षत्रियों ने अपने कर्तव्य का बोध किया, शास्त्रों को भी अध्ययन करने के लिए अग्रसर हुए और शास्त्रों का भी उन्होंने अध्ययन किया और शस्त्रों का भी उन्होंने पूजन किया। मैं हृदय से साधुवाद करता हूँ और शुभकामना करता हूँ। इस प्रकार से हम अपने कर्तव्य का बोध करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करें। मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या बनता है और मुझे मेरे कर्तव्य का पालन करना चाहिए।